निष्ठा भावना परमार्थ त्याग बलिदान और तन तक अर्पित देश को हो अमर जगदा। अमर वही व्यक्ति नाम से होते हैं, स्वयं नहीं होते, नाम अमर होता है। अमरता का पैमाना अथवा महानता का पैमाना क्या है कि उस व्यक्ति ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए क्या योगदान किया है। देश के लिए योगदान करने वाले भी महान होते हैं और उनसे भी महान माने जाते हैं विश्व कल्याण करने वाले। विश्व कल्याण का एक उदाहरण मैं आपको दूं। विश्व में अमेरिका के एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने सन 1964 के लगभग दो प्रजातियां गेहूं की नई बनाई, नरमा रोजा और सुनहरा 64। वो दोनों प्रजातियां ही साधारण गेहूं से 10 गुनी पैदावार देने वाली थी। परिणाम स्वरूप अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व भुखमरी से बचने लगा और मानवता का एक बहुत बड़ा कल्याण हुआ। इसी प्रकार अपने देश के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाने वाले सदैव अपना नाम अमर कर जाते हैं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती थी, थर्राती थी, महान आजादी के नायक सरदार भगत सिंह की जीवन गाथा का वर्णन आप आज हम करते हैं। उन्होंने भारत में न केवल आजादी का बिगुल बजाया अपितु अंग्रेजों को मजबूर कर दिया इस देश से भागने के लिए। आजादी के इस महान नायक का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा नामक ग्राम, जिला लायलपुर जो आज पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। यद्यपि आज इनके वंशज जनपद सहारनपुर में भगत सिंह नगर में रहते हैं, परंतु तत्कालिक समय में वो पंजाब ही था, वहां रहते थे। सरदार भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशनजीत सिंह था और चाचा का नाम अजीत सिंह था। सरदार भगत सिंह की माता का नाम विद्या देवी था और विद्या देवी की कोख से इन्होंने जन्म लिया। उस समय सरदार अजीत सिंह यानी कि भगत सिंह के चाचा और सरदार किशनजीत सिंह पिता दोनों ही जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ वो दोनों जेल से छूटकर आए। आजादी की लड़ाई में ये परिवार सदैव अग्रणी रहा था और इन्होंने अपना तन तक बलिदान दिया। जब दोनों चाचा और पिता जेल से छूटकर आए और भगत सिंह का जन्म हुआ तो दोनों ही बड़े खुश हुए और भगत सिंह की दादी तो इससे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने पुत्र का नाम भागों वाला यानी भगत सिंह रख दिया। भगत सिंह जब कुछ बड़े हुए, लगभग 8 वर्ष उम्र थी, पिता सरदार किशनजीत सिंह एक जमींदार थे तो खेतों पर घूमने गए। छोटा बच्चा पिता ने एक जगह बैठा दिया तो कुछ कौतक करने लगे। कुछ देर बाद उनके पिता सरदार किशनजीत सिंह आए और पुत्र से बोले कि भगत सिंह ये क्या कर रहे हो। वो भगत सिंह छोटे छोटे तिनके गाड़ रहे थे जमीन के अंदर। बोले, पिताजी बंदूकें बो रहा हूं, आप तो धान की खेती करते हैं, गेहूं की करते हैं, मैं बंदूकों की खेती करूंगा। कि भाई बंदूकों की खेती का तुम क्या करोगे। कि पिताश्री, हमारे देश में अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, जब हमारे पास बहुत सी बंदूकें हो जाएंगी तो हम उनको मार भगाएंगे, इसलिए मैं बंदूकों की खेती कर रहा हूं। पिता समझ गए, एक कहावत है कि पुत्र के पांव पालने दिखते हैं,
पिता समझ गए कि ये पुत्र अवश्य ही कोई बड़ा क्रांतिकारी या देशभक्त होगा, और वही हुआ। जब भगत सिंह थोड़ा बड़े हुए, उम्र करीब 12 वर्ष हुई, क्योंकि 1907 में जन्म हुआ था तो 12 वर्ष के हुए थे, 19 अप्रैल 1919 को भारत में एक बहुत ही निंदनीय और घृणित घटना हुई, जलियांवाला बाग कांड हुआ। गांधी जी के आह्वान पर सभाएं हो रही थीं, देश की आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जगह जगह लोग अपना आजादी मांगने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के आह्वान पर ही जलियांवाला नामक स्थान पर एक सभा हुई। कहावत यह है कि उस सभा की अनुमति नहीं ली गई थी, और उस दिन बैसाखी का पर्व था इसलिए सभा में भीड़ बहुत हो गई थी। आजादी संबंधी आंदोलन था, सभा की अनुमति नहीं थी, परंतु भीड़ बहुत थी। हंसराज नाम का व्यक्ति सभा का संचालन कर रहा था, तभी पुलिस कप्तान जनरल ओडार आया और सभा को ललकारा और चारों ओर से घेरकर जो उसमें मुख्य द्वार था वहां पुलिस लगा दी और शूट आदेश दे दिया, यानी कि गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी भीड़ पर 500 जवानों ने गोलियां चलाई और उस भीड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। विडंबना ये थी कि वहां एक कुआं भी था, कुछ लोग कुएं में गिरकर मर गए, कुछ वैसे मर गए और कुछ घायल हो गए। बहुत बीभत्स कांड हुआ, लाशों के अंबार पट गए। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 1600 मौतें वहां हुई। तो अगले दिन भगत सिंह अपने कुछ साथियों के साथ उस घटना को देखने गए, तब भी वहां घायलों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, लाशों के अंबार लगे हुए उन्होंने देखे तो भगत सिंह का हृदय कांप उठा और उन्हें क्रोध भी आया, बड़ा प्रभावित उस घटना से हुए। उसी दिन भगत सिंह ने प्रतिज्ञा की कि मैं अंग्रेजों को भारत से भगाकर छोड़ूंगा, और प्रतिज्ञा के अनुसार वो कई क्रांतिकारियों से मिले, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव राज, प्रोफेसर नंद किशोर, भवानी सिंह, बिमल जैन, बटुकेश्वर दत्त और भगवती चरण बोहरा जैसे महान क्रांतिकारी का एक समूह बना, और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है। तलवार की नंगी धारों पर जंगे आजादी चलती है, और इतिहास उस तरफ मुड़ जाता जिस ओर जवानी चलती है। अब जवानी अंग्रेजों के विरुद्ध चल दी थी। उसी दौरान कुछ समय बाद कुछ जांच पड़ताल करने के लिए सन 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया, और ये देखने के लिए कि यहाँ का शासन और राजकाज ठीक सुचारू चल रहा है नहीं, और कुछ कानूनों पर समीक्षा करने के लिए वो देश में जगह जगह गया। परंतु उस समय अंग्रेजों की मोनोपोली चलती थी, कोई भी भारतीय सदस्य उसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, यानी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। जो अंग्रेज तो मनमानी करते ही, भारतीय सदस्य कुछ होता तो देखता। उस पर भारतीय जनता ने गांधी जी के आह्वान पर साइमन कमीशन का विरोध किया। दिल्ली में महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन के विरोध की कमान खुद संभाली। लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत ने संभाली, और लाहौर में उस विरोध प्रदर्शन की, साइमन कमीशन के विरोध की कमान लाला लाजपत राय ने संभाली। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता था, वो महान क्रांतिकारी थे, भावनाएं थीं भारत माँ के प्रति, उनके मन में प्रतिष्ठा थी, उनके मन में गरिमा थी। तो सैंडर्स ने, पुरुष कप्तान सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसा दी, और इतनी लाठियां लगी
कि संघातिक चोटों के कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस पर क्रांतिकारियों का खून खौल गया और उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि हम सैंडर्स को अवश्य मारेंगे। पुलिस कप्तान सैंडर्स को मारने के लिए चार क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों के शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जिम्मेदारी ली और चारों चल दिए। जैसे ही पुलिस कप्तान लाहौर में अपने कार्यालय से बाहर आया, मोटरसाइकिल से आया था, चारों ने उस पर गोलियां बरसा दी और उसे गोलियों से भून दिया। सैंडर्स की हत्या हो गई, परंतु अंग्रेज सरकार हिल गई और इन्हें भागने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी दुर्गा, दुर्गा उस समय प्रकट हुई। दुर्गा क्या करती थी, वो क्रांतिकारियों की गुप्त मदद करती थी। जब जब संकट आता था वो संकट मोचन बन जाती थी। प्रगटी देवी तत्काल एक, प्रगटी देवी तत्काल एक, दुर्गा भाभी कहलाती थी, पत्नी भगवती बोहरा की संकट में साथ निभाती थी। जब जब भी संकट मंडरा है वो तुरंत प्रकट हो जाती थी और संकट रूपी मेघों को बंद करके पवन उड़ाती थी। दुर्गा भाभी ने चारों को सहारा दिया और एक योजना बनाई गई, चारों का भेष बदला गया। भगत सिंह एक अंग्रेजी साहब बने, दुर्गा भाभी उनकी मैम बनी, चंद्रशेखर आयात मथुरा के पंडा बने, वैसा ही भेष बनाया, राजगुरु अर्दली बने भगत सिंह के, और चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे सुखदेव, वो उनके पंडा के शिष्य बने और चारों भेष बदलकर ट्रेन में बैठकर गुप्त रूप से निकल गए। जब वहां पहुंचे, लाहौर से कलकत्ता पहुंचे, तो सम्मान किया भगवती चरण बोहरा ने और दुर्गा से कहा, दुर्गा आज तुम मेरी पत्नी सही मायने में बनी हो, तुमने मेरे भाइयों को बचा करके बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। तदुपरांत आजादी की लड़ाई चलती रही। भगत सिंह अब चाहते थे कि अंग्रेजों को किस प्रकार भगाया जाए, उसी पर चिंतन मनन करते रहे और एक रात भगत सिंह बिल्कुल सोए भी नहीं। सोचते सोचते चिंतन मनन करने से एक बात दिमाग में आई कि फ्रांस के मौशिये बेला नाम के व्यक्ति ने असेंबली में बम फेंक करके पूरे फ्रांस को दहला दिया था। तो उन्होंने वही बात मन में सोची कि हमें किसी की हत्या तो नहीं करनी, परंतु असेंबली में बम फेंक करके हमें अंग्रेज सरकार को भयभीत करना है, डराना है और अंग्रेजों को भगाना है। कई क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और नोएडा के नलगढ़ा गांव के विजय सिंह पथिक जैसे महान क्रांतिकारी भी शामिल थे। यमुना के पास नोएडा जहां स्थित है वहां पर एक नलगढ़ा गांव है, वहां विजय सिंह पथिक का आज भी स्मारक बना हुआ है। वहीं पर विजय सिंह पथिक की योजना बनी, बम लिए गया और ये सभी क्रांतिकारी चल दिए। यद्यपि बम फेंकने की जिम्मेदारी भगत सिंह की और बटुकेश्वर दत्त की थी, परंतु अन्य क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर और विजय सिंह पथिक, ये सब दाएं बाएं वहीं उनकी रक्षा के लिए रिवॉल्वर लेकर लगे रहे और भगत सिंह द्वारा असेंबली में खाली स्थान पर बम फेंक दिया गया। बम फेंकने का मकसद भगत सिंह का किसी की हत्या करना नहीं था, खाली स्थान पर बम फेंका गया, परंतु अंग्रेज सरकार बहुत भयभीत हो गई, असेंबली में भगदड़ मच गई, लोग प्राण बचाकर भागने लगे। तभी भगत सिंह ने कुछ पर्चे फेंके और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त सभी को गिरफ्तार किया गया। यद्यपि बटुकेश्वर दत्त को कुछ हल्की सजा मिली अथवा छोड़ दिए गए, परंतु बाद में इन तीनों को, त्रिमूर्ति को फांसी लगा दी गई।
जेल में भगत सिंह ने वहां के खान पान और सुविधाएं न मिलने पर भी अनशन किया, विरोध किया। चूंकि भगत सिंह एक रईस परिवार से संबंधित थे तो इनके पिता चाहते थे कि भगत सिंह को किसी प्रकार बचाया जाए, तो वहां ने पत्र भी लिखा उन्होंने कि बेटे भगत सिंह तुम माफी मांग लो, तो पिता से इनकार कर दिया। फिर पिता ने भारत के प्रसिद्ध वकील और भगत सिंह के चाचा प्राणनाथ मेहता को वहां भेजा, तो मेहता ने कहा भगत सिंह बेटे हम गवर्नर से कहकर तुम्हारी सजा माफ करा देंगे, तुम्हें फांसी के बजाय उम्र कैद या कुछ हल्की के सजा हो जाएगी, तुम ऐसा करो माफीनामा लिख दो। भगत सिंह बोले चाचा जी मेरे साथ राजगुरु भी हैं, सुखदेव भी हैं, माने जो कुछ भी किया है अपने लिए नहीं किया, माने देश की आजादी के लिए किया है, इसीलिए मुझे अपने किए पर कोई मलाल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो चाचा जी ने फिर समझाया कि भाई तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हारा बलिदान हो जाएगा। तो भगत सिंह पुनः बोले चाचा जी सोने की चमक कभी भी सोने से कम है नहीं होती, और सोने के 100 टुकड़े होने पर भी कीमत कम नहीं होती। सोना यदि जलकर भस्म बने तो भस्म भी मूल्यवान होती, त्यों वीरों के बलिदानों से महिमा उनकी कम नहीं होती। मुझे चाचा जी फांसी मंजूर है परंतु झुकना मंजूर नहीं, मेरे वतन की मिट्टी के लिए भारत माता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। परिणाम स्वरूप भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों हंस हंस कर चूम कर फांसी के फंदे पर लटक गए। अंत में हम श्रद्धांजलि रूप में कहना चाहेंगे कि आजादी की बलबेदी पर निज ललाट देने वाले, बुलंद देश का भल किया संतापों को सहने वाले, आजादी की बलबेदी पर निज ललाट देने वाले, भारत का भाल बुलंद किया संतापों को सहने वाले, फटे हुए भारत मां के आंचल को सीने वाले, और तुझे बधाई है वो योद्धा मर कर भी जीने वाले। जय भगत सिंह, जय राजगुरु, जय सुखदेव, जय हिंद, जय भारत।